नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा चैनल काफ़ी पसंद आएगा। इस चैनल में मैं आपको बताऊँगी बहुत सारी छोटी छोटी उपयोगी टिप्स और कुछ डिलीशियस रेसिपीज़। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर बनाना एंड कीवी स्मूदी बनाने वाले हैं। ये हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्दी होती है, जो आप बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए देखते हैं इसे हम किस तरह से बनाएंगे। यहाँ मैंने ली हुई है 2 बनाना एंड 2 कीवी। बादाम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ मेरे पास कुछ सीड्स थे, जिसमें सेसमी सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और मटर था, जिसमें आप देख सकते हैं तरह तरह की बीजें हैं, जिसमें सेसमी सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और अलसी आप देख सकते हैं। इसमें सभी सीड्स का मिक्सचर है। 2 छोटी इलायची, 2 मीडियम साइज़ के एप्रिकॉट यूज़ किए हैं। चिया सीड्स को मैंने पानी में सोक करने के लिए रख दिया है। जितने लोगों के लिए आप बनाना चाहते हैं उतना दूध और आवश्यकता अनुसार शहद। और मिक्सर जार में डालेंगे। कीवी कट करके हमें मिक्सर जार में डालना है। ये मैंने कुछ कीवी के पतले पतले स्लाइस काटे हुए हैं, जिन्हें मैं आखिर में यूज़ करूँगी। अब हम लोग बनाना को भी पिल ऑफ करके मिक्सर जार में डालेंगे। मैंने इसे मिक्सर जार में डाला है। मिक्सर जार में मैंने कीवी और बनाना कट करके डाल दिया है। अब मैं इसमें कुछ सीड्स डालूंगी। इसमें हम लोगों की जो बादाम थी बारीक कटी हुई, बादाम डालूंगी। थोड़ी सी मैं रहने दूंगी, जिसे मैं ऊपर से डेकोरेट करने में यूज़ करूंगी। एप्रिकॉट डालूंगी, आसानी से आपको ड्राई फ्रूट्स की शॉप पे मिल जाएगा, ये काफ़ी हेल्दी होता है। अब इसमें मैं इलायची डालूंगी। दो इलायची थी छोटी वाली, मैंने दोनों डाल दिए। रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ जो मेरे पास दूध था वो भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। इसमें जो मैंने चिया सीड्स कुछ डाले हुए थे, ये हम लोग आखिरी में यूज़ करेंगे, इसमें नहीं डालना है। अब हम इसमें शक्कर की जगह आपकी ज़रूरत के अनुसार हनी डालेंगे। यहाँ मैं 2 चम्मच हनी यूज़ कर रही हूँ। इसे एक बार अच्छे से चम्मच से मिक्स कर देते हैं। इसे ग्राइंड कर लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए हर्सले का सिरप यूज करूंगी, जो हम इस तरह से किनारे किनारों पर डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, इस लुक बहुत ही प्यारा सा आता है।
आप देख सकते हैं मैं किनारों किनारों पर डाल रही हूँ। हमारी स्मूदी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें हल्का सा डेकोरेशन करूँगी। हम लोगों की जो इसमें सोखी हुई चिया सीड्स थे वो डालेंगे। कटे हुए बादाम डालूंगी। मेरे पास फूड कलर अवेलेबल था पिंक वाला, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ डेकोरेशन के लिए डाल रही हूँ। आप इसको इस तरह से मिक्स कर सकते हैं। और जो हमने स्टार्टिंग में अलग किया हुआ था कीवी की कुछ स्लाइसेस, और हम बीच में इस तरह से कट कर देंगे और ग्लास पे कुछ इस तरह से डेकोरेट करेंगे। हम लोगों की बनाना कीवी स्मूदी रेडी है।